सबकी भलाई इसी में है, कोई कुछ ना कहे चुप रहे। और हर्ष? अरे उसे मुझ पर छोड़ दो, विश्वास करो मेरा। अरे क्यों अपनी गृहस्थी खत्म करने पर उतारू वो? विद्या किसी को भी सच नहीं बताएगी। ए मोटी, हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि तुम ये सब जो कर रही हो सिर्फ अपने लिए कर रही हो, ताकि तुम्हारी बेटी सालू इस घर की दुल्हन बन जाए। हाँ विद्या, आप किसी को सच नहीं बताएगी, तुम बता दो फिर। विद्या इस घर से बाहर और सालू इस घर के अंदर। चुप चुप कर। बस तुम्हारे इस गोल 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 घूमने वाले खेल से हम पूरी तरह थक गए हैं, समझे? अब कोई नाटक नहीं, कोई नाटक नहीं। विद्या अब हमारी हुई, हमारी। क्या लिखा है? मिस्टर सागर प्रताप सिंह, देखिए ना दी। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें पता मैं कितना जरूरी काम कर रही हूं? क्या दिखाना चाहते हो तुम? क्या ये ना रहेगा ये लेटर और ना पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम, समझे? क्या हुआ सागर? क्या हो रहा है सिंदूरा? कुछ नहीं, मैं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड चेक कर रही थी और सागर कब से इरिटेट किया जा रहा था। जी लेटर फाड़ दिया।
मयूरा, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, इसमें सागर की क्या गलती है? हमेशा तुमसे कहता हूँ कि मैं उसे पर काबू रखूँ। और ये क्या है, सब बेवजह। स्टॉक्स क्रैश होने के बावजूद हमारी वो डील हो गई है। चली? हाँ, अभी अभी वो डील फाइनल करके आया हूँ। हे चैम, डोंट वरी। अच्छा, तुम्हारा ये फॉर्म फट गया है ना? डोंट वरी, मैं कॉन्टेस्ट वालों को फोन करके दूसरा मंगवा दूंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस चाची। 100%। खुश? और इस डील का सारा क्रेडिट एक ही शख्स को जाता है, विद्या। जब से विद्या के कदम इस घर में पड़े हैं, तब से हमारा बिजनेस दोबारा रॉकिंग होने लगा है। विद्या सचमुच इस घर की लक्ष्मी है। मां, आपको याद है मैंने आपको पैसे लाकर चेक दिया था? वो डील भी सागर और विद्या के शादी के बाद हुई थी। अरे चलो भाई, तैयार हो जाओ। कहां के लिए? तुम सब शॉपिंग करने जा रहे हो जी? अरे जी जी क्या कर रही हो? तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी होने वाली है, सबसे ज्यादा तैयारी तुम्हें करनी है। माँ जी, आप सब जाइए, खूब शॉपिंग कीजिए, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। अरे विद्या, एक मिनट। सुबह तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी। कुछ जरूरी बात थी, बोलो क्या है? अरे बोलो ना विद्या, सुबह क्या बोलना चाहती थी? भूल गई हो शायद, कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब बता देना। विद्या, हमेशा याद रखना कि इस घर को और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुबह जिस तरह तुम घबराई हुई थी, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, लेकिन अचानक ऑफिस से फोन आ गया, मुझे तुरंत भागना पड़ा। खैर कोई बात नहीं। अच्छा जल्दी करो भाई, तैयारी करनी है, जाओ जाओ शॉपिंग पर जाओ। सुना है दिल्ली में इतने बड़े बड़े बाजार हैं कि घूमने में पूरा दिन निकल जाए। चलो मुआ। सिंदूरा जी, आप, मैं और शालू इसी में चलेंगे। दीदी आप भी चलिए ना। हाँ हाँ चलिए। वैसे तो हम पीछे सामान रखते हैं, आज आप ही आ जाइए। चल, अरे चल ना। मैं ना दूसरी गाड़ी में आती हूँ। अच्छा ठीक है।
ने कहा था कि मैं उनके साथ चलूं, पर मैंने सोचा मैं आपके साथ चले चलूंगी। चलो चलो शॉपिंग, चलो चलो ना। अरे छोड़िए ना। शॉपिंग। चलिए ड्राइवर जी। साहब जैसा आप कहें। अरे आप, आपको चला रहे हैं गाड़ी? वो क्या है, घर के ड्राइवर को किसी ने काम के लिए बुला लिया, तो हमने सोचा कि आज हम ही आप लोग के ड्राइवर बन जाए, इसी बहाने साथ में कुछ वक्त भी गुजार लेंगे हम सब। है छोटे ठाकुर? हैंडसम नंबर टू भी आ है, हैंडसम नंबर थ्री भी आ है। अरे ये क्या हो गया एकदम से गाड़ी को? देखते हैं। ये तो गई, अब क्या करें? हम ऑटो में चलें। हाँ हाँ हाँ, ऑटो में मजा आएगा। हाँ जरा देख भी लेते हैं। ये तो गई। छोटे ठाकुर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगता है हमें ऑटो से ही जाना पड़ेगा। हाँ। ए ऑटो। ए ऑटो, ए ए ए ऑटो। चल सबसे पहले मैं बैठूंगा। चलो ना। बाय बाय। कहाँ कहाँ जा रही हो विद्या रानी? हाँ छोड़िए हमारा। बस बस बहुत हुआ ये छुपा छुपी का खेल, अब हम तुम्हें यहाँ से सीधे बनारस ले जा रहे हैं। कहाँ? बनारस। के ब्याह का सारा इंतजाम हो चुका है वहां पर, समझी? जाने दीजिए ना, अभी क्यों परेशान करते हैं? अरे काहे जाने दे, कैसे जाने दे, पागल हो गई हो क्या? कल तो तुमने हमें अपनी मांग में सिंदूर भरने से रोक लिया रानी, ये कह के कि तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा लेगा, और कमाल की बात यह है कि कल तो बच भी गई तुम। आज बुलाओ अपने भगवान को। अरे बुलाओ ना, हाँ बुलाओ ना अपने शंभुनाथ को। विद्या, ए मिस्टर, ये गाड़ी सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ी किया? ए तुम क्या बोल रहा हो? ये बीच रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी की है? चल लाइसेंस निकाल, चल जल्दी। है क्या है भाई साहब? गाड़ी क्या पॉकेट में पैकेट निकालने के एक्शन कर रहा है? निकाल लो जल्दी। ये क्या है? लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका है, रिन्यू करने को टाइम नहीं मिला क्या? चल फाइन के पैसे निकल। अरे भाई साहब क्या, वो अभी बस गाड़ी खराब हो गई, आप पैसा निकाल। अरे अब छोड़िए ना भाई साहब, क्या बात हो गई इतनी? है गाड़ी में बैठ, चल पुलिस स्टेशन, मेरे पास टाइम नहीं है, चल जल्दी। गाड़ी खराब हो गई इसलिए हम यहाँ अटक गए। चल बैठ गाड़ी में, बैठ, चल चल आ जा, लाइसेंस लेके जाएंगे, चल आ जा, आजा आजा आजा, चल 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 चल, टाइम नहीं अपने पास।
चलो ना, चलो ना। आ गई बेटा। चिनू बेटा, विद्या कहाँ है? जी वो भाभी जी हर्ष जी के साथ आ रही है। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसीलिए हम सब ऑटो से आए हैं। पता नहीं आएगी भी या नहीं। छोटे ठाकुर हाथ दो, इसे संभाल के रखिए, कहीं गुम न जाए। तुम मेरी साली हो ना। चलो हम टॉयज खरीदते हैं। चलो चलो हम जाएं, हम जाएं। थैंक यू। चलो 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 चलो। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अर्ज के साथ ही है ना विद्या? जी। चलिए दीदी। अरमाल है। हाँ, आर्मोर है। शंभुनाथ, ये कैसे अजीबोगरीब दरवाजे हैं? बाजार में हम कैसे ढूंढेंगे सबको? मैम ये कैसे है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे आप साइड में रखना। ये भी साइड में रखिए। मम्मा चाहिए भैया, इसमें बड़ा साइज़ देना और सब में बड़ा साइज़ देना, जल्दी। हाय कितना प्यारा है शालू, ये तो मैं लूंगी। मम्मा ये कितना अच्छा। हाँ चल ये भी ले लेते। अरे पकड़ भैया, और ये है, ये रंग भी और ये। अरे आप आइए ना, यहाँ आ जाओ, संभाल के चलिए, आ जाओ। ली विद्या अब तक आई क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, इसको पकड़ो। मैं टॉय शॉप में जाऊं? क्या कर रहे हो? हाँ हाँ जाओ जाओ, गो। ओके बाय बाय। शंभुनाथ, हमें हमारे परिवार से मिलवा दो।
लगता है तुम्हारी नजरें हमें ही ढूंढ रही है विद्या। ढूंढती रहो, तुम्हें खोया हुआ देखना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गिनने वाली थी ना, पर आपने बचा लिया। पता है